नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली का बयान। जी हां, बता दें कि बीते दिनों शिफा अस्पताल जो के न्यू कबाड़खाना स्थित है, उसके संचालक द्वारा हाफिज अतीकुर रहमान की दाढ़ी काट दी गई थी। उसी के चलते संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इसका नाम शिफा अस्पताल तो था ही नहीं। जिस वक्त इसकी इफ्तेदा हुई थी, जिस वक्त हम लोगों ने महरूम गुफरान ए आजम साहब और हमने इसकी शुरुआत की थी, तो उसका नाम हयात अस्पताल रखा गया था। किन कारणों से इस अस्पताल का नाम बदला, लोग बदले और अस्पताल का बंटवारा हुआ, यह समझ से परे है। 30 तारीख को जो शिफा अस्पताल में एक घटना घटी है, जिस तरह हाफिज की दाढ़ी काट दी गई, इन 3 लोगों की कमेटी किसने बनाई है? चलिए देखते हैं यह खबर भोपाल से संवाददाता आदिल खान के साथ। नहीं, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये शिफा हॉस्पिटल कोई नाम नहीं था। जिस वक्त इसकी इफ्तिताह हुई थी, इसको जो हम लोगों ने मरहूम गुफरान आजम साहब ने जब इसकी शुरुआत की थी, तो इसका नाम हयात हॉस्पिटल रखा गया था। किन कारणों से नाम बदला, लोग बदले, किस तरह से इस अस्पताल का बंटाधार हुआ, ये समझ से परे है। और जो घटना 30 तारीख की जो घटना, एक हाफिज़ के साथ घटना जो घटित हुई है, उस घटना में एक जिम्मेदार हैं उस हॉस्पिटल के 3 लोगों की जो कमेटी है, किसने बनाई है, इसका जवाब वक्फ बोर्ड देगा और काफ़ी अम्मा देगा, क्योंकि उन्हीं की तौलियत में है ये, वहीं से किराएदारी है, कमेटी भी वहीं से बनी है। उसमें जो एक जिम्मेदार है, उसका एक भांजा है, वो पहले भी एक सुना है कि पहले भी एक हाफिज़ के साथ बदनाम करके उसकी दाढ़ी काट चुका था। आज जो लोग मुट्ठी भर लोग ऐसे आदमी की सरपरस्ती कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, जो लोग उसको मदद कर रहे हैं, वो यकीनन अल्लाह की नाराज़गी में शामिल रहे। भाई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको द्वारा? निकल, मैंने उनसे सबसे पहले तो मैंने शरकाई साहब से बात की, तो उनका कहना था कि हम इसमें बहुत सख्त लहजे में, हमारे शेर काजी ने कहा है कि हम बहुत नाराज़गी है कि अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत, ऐसा काम जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा, मार देते, जान से मार देते उसको, मारते, कोई एतराज़ नहीं था, गलती थी, गुनाह अगर किया था तो यकीनन हाफिज़ अतीकुर रहमान को मारते आप, लेकिन एक अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत को जिस तरह आपने हाथों से नोचा और मशीन से ट्रिम, मशीन से जिस तरह से उसकी दाढ़ी को काटा, यकीनन बहुत, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस गंदगी के। ऐसे लोगों को अगर ये इस्लामी हुकूमत होती, इस्लामी शरिया कानून लागू होता, तो ऐसे लोगों को यकीनन वो सरकार इनको खड़ा करके कसास करा देती है। वहीं अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं है आपकी, पुलिस महकमे वाले अधिकारी से बात हुई थी, क्या कुछ? नहीं, हमने सभी, मैंने ही नहीं, तमाम शहर के लोग चाहते हैं कि उसमें गिरफ्तारी हो। DIG साहब को लिखा है किसी ने, गृह मंत्री जी को लिखा है, कोई कलेक्टर को लिख रहा है, कोई SDM को लिख रहा है। हम ये मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं, ये हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। गृह मंत्री जी भी सुन लें, हमारे स्थानीय प्रशासन मंत्री और हमारे शहर के नौजवान मंत्री विश्वास सारंग जी से ही मांग करता हूँ कि तमाम DIG साहब भी, IG साहब भी सुन लें कि ऐसे मामलों में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे लोगों की जो मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ऐसे लॉकडाउन के माहौल में गंदगी फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, यकीनन उनको गिरफ्तार कर उनका सार्वजनिक जुलूस निकाला जाना चाहिए, जिससे कि इस कौम में, शहर के लोगों में पता चले कि ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोगों के साथ प्रशासन क्या कर सकता है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।